नमस्कार, मैं हूँ कविता। आईएसआई को पीएम मोदी पसंद है, ये हमारा कहना नहीं है बल्कि आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी का दावा है। उनका कहना है कि आईएसआई चाहता था कि सिर्फ मोदी ही भारत के पीएम बने। असद दुर्रानी के इस दावे ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। वो कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डीजी असद दुर्रानी, जिन्होंने पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत और पत्रकार आदित्य सिन्हा के साथ मिलकर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है द स्पाई क्रॉनिकल रॉ एएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस, जिसमें कश्मीर समस्या से लेकर कारगिल युद्ध, कुलभूषण की गिरफ्तारी और बुरहान वानी समेत कई मुद्दों पर लिखा गया है। लेकिन भारत पाक के रिश्तों पर छपी इस किताब में असद दुर्रानी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। असद दुर्रानी ने दावा किया है कि आईएसआई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से खुश था, लेकिन क्यों? इसके पीछे उन्होंने बताया कि मोदी की कट्टरपंथी छवि है। आईएसआई आस लगाए बैठा है कि मोदी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे भारत की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा और उसका पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर फायदा होगा। इन दावों ने असद दुर्रानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि दुर्रानी के दावों पर आपत्ति जताते हुए पाक सेना ने उन्हें तुरंत उनके सामने पेश होने का फरमान सुना दिया है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर क्यों आईएसआई पीएम मोदी को पसंद करता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक अच्छाई का चोला पहन पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।